हेलो एवरीवन, क्राइसिस के टाइम में जब किसी कंट्री की इकोनॉमी बिल्कुल गिर जाती है और उस टाइम सपोर्ट की बेहद जरूरत होती है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्यों नहीं गवर्नमेंट आरबीआई से धड़ाधड़ पैसे प्रिंट करने को कहती है, जिससे देश काफी खुशहाल और डेवलप हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा करने से कंट्री डेवलप होने के बजाय और कंगाल होता चला जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2020 में जब कोरोना वायरस इंडिया में आतंक मचाता है और धीरे धीरे ये एंटायर नेशन को अपनी पूरी चपेट में ले लेता है, इससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है, कंपनीज बंद हो जाती है, जिससे काफी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और मजदूरों को अपने घर वापस लौटना पड़ता है। बहुत कम आस होती है कि यह वायरस एक साल के अंदर चला जाएगा। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने आरबीआई से धड़ाधड़ पैसे क्यों नहीं प्रिंट करने को कहे इकोनॉमी को बरकरार रखने के लिए? तो चलिए आज के इस वीडियो में इसके रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। पेंडेमिक के टाइम पे बिना किसी एक्टिव इनकम सोर्स के फैमिली के खर्च और हेल्थ केयर पर खर्च से बहुसंख्यक लोगों को सस्टेन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था। गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन था कि वो जो भी रेवेन्यू टैक्सेस के रूप में जनरेट करती है उसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेजोरिटी लोगों की जो भी बेसिक नीड्स उस पर खर्च क्यों नहीं करती। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। कभी कभी ये खर्च जनरेट किए गए रेवेन्यू से भी ऊपर चला जाता है, जिसे हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। इस सिचुएशन में लोगों को हेल्थ पर, लोगों पर और हॉस्पिटल्स में खर्च करने के लिए फॉरेन कंपनीज या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स से लोन लेना पड़ता है, लेकिन संकट के टाइम में कोई लोन देना भी नहीं चाहता है। तो आप क्या करें? तो यहाँ पे गवर्नमेंट आरबीआई का दरवाजा नॉक करती है। अगर आप किसी व्यक्ति से लोन लेने जाते हैं तो वो आपको अपने जमा किए हुए पैसे देता है, लेकिन अगर जब आरबीआई आपको उधार देना चाहती है तो उसे नए पैसे प्रिंट करने होंगे जो कुछ मिनट्स पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। इसे ही कहते हैं मोनेटाइजिंग द डेफिसिट। पैसे प्रिंट करने के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके नुकसान को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसे आसानी से समझने के लिए हम मनी साइकिल को समझते हैं। लोग अपनी सेविंग्स बैंक में जमा करते हैं और बैंक इन पैसों को बिजनेसमैन को कर्ज देती है और ये बिजनेसमैन इन पैसों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं और कस्टमर्स से पैसा कमाते हैं। जितनी प्रॉपरली ये प्रोसेस चलता रहेगा उतना ही ज्यादा कंट्री खुशहाल रहेगा। तो चलिए आप समझते हैं कि ज्यादा पैसे प्रिंट करने से कैसे इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो सकती है। मान लीजिए किसी कंट्री में दो लोग रहते हैं जिसमें से प्रत्येक की इनकम 20 रुपए है और उस कंट्री में 2 किलो चावल प्रोड्यूस किया जाता है। मान लीजिए 1 किलो चावल की कीमत 20 रुपए है, तो एक व्यक्ति 1 किलो चावल खरीद सकता है और अपनी फैमिली को फीड कर सकता है। तो यहाँ पे जो चावल की कॉस्ट है टोटल वो 40 रुपए है और टोटल इनकम जो है उन दोनों व्यक्ति की वो 40 रुपए है। तो यानी प्रोडक्शन जो गुड्स और सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो पैसों से मैच कर रही है। मान लीजिए उसी कंट्री में सरकार ने बहुत से पैसे प्रिंट कर दिए हैं जिससे आपकी इनकम 20 रुपए से 40 रुपए हो गई है, लेकिन चावल की सप्लाई तो उतनी हो रही है। यानी जब आपकी इनकम 20 रुपए थी तब भी चावल की सप्लाई 2 केजी हो रही थी और आज 40 रुपए है तब भी चावल की सप्लाई 2 केजी हो रही है। तो यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। यानी एक ही व्यक्ति 2 किलो चावल खरीद सकता है, अब दूसरा व्यक्ति क्या करे, वो तो भूखा मरेगा बेचारा। इसीलिए चावल की शॉर्टेज होने की वजह से शॉपकीपर चावल का प्राइस डबल कर देते हैं, जिससे कंट्री में महंगाई बढ़ जाती है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। पैसे प्रिंट करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो पैसे हैं वो टोटल प्रोडक्शन से जरूर मैच करना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल से आपको समझाया कि वो दोनों लोगों की जो टोटल इनकम थी वो 40 रुपए की थी और टोटल प्रोडक्शन कंट्री में जो हो रही थी चावल की वो भी 40 रुपए की हो रही थी, जिससे कि वो कंट्री खुशहाल था, डेवलप्ड था। अगर प्रिंट किए हुए पैसे टोटल प्रोडक्शन से मैच नहीं कर रहा है तो इन्फ्लेशन पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। तो चलिए हमने जो भी सीखा है उसे समअप कर लेते हैं। जब किसी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन से ज्यादा पैसे प्रिंट किए जाते हैं तो उस कंट्री में लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है और गुड्स की शॉर्टेज होने की वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन जैसी चीज देखने को मिलती है, जिसे महंगाई कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।